एक पौधा है, ये उठ नहीं पा रहा, इतने टमाटर लगे हुए हैं इस पर, कितनी भारी मात्रा में। और अभी मोदी जी की भी मुहिम चली हुई कि भाई जहर मुक्त खेती, बिल्कुल एक अभियान के तहत सिक्किम स्टेट है अपना पूरा 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, वहां भी एक सबसे ज्यादा जो केमिकल डाला जा रहा है वो सब्जी के अंदर डाला, सब्जी के अंदर कि हर गांव के अंदर एक कैंसर का पेशेंट आपको बिना खाण में जो स्वाद आयो ना, जाना तो नहीं समझ लो कि घी को स्वाद आ रहा है, इतनी स्वादिष्ट को भी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। नहीं देखो मतलब सेव खा रहे हो, टमाटर खा रहे हो, समझ में नहीं आ रही, इतना बारो गुद्दो और देसी टमाटर तोड़ खाओ ना, वो मजा। आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, और आज हम एक ऐसे ऑर्गेनिक फार्मर से मिलवाने जा रहे हैं आपको जो काफी समय से ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं, और एक वीडियो पहले भी बनाई थी हमने जिसमें उन्होंने काफी कुछ विस्तार से बताया था और काफी लोग उससे जागरूक भी हुए, काफी कुछ सीखने को मिला और काफी फायदा लोगों ने उस वीडियो से उठाया था। तो आज फिर हमें मौका मिला है उसी एक ऑर्गेनिक फार्मर मनोज जी से मिलने का, उनसे समय लिया है और आज हम उनसे मिलवाते हैं आपको और बात करवाते हैं कि किस तरह से कब से वो ये काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक पे और कितना फायदा उठा चुके हैं, कितने लोगों को फायदा दे चुके हैं इस रास्ते से और कितने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरह से खेती तैयार करते हैं, किस तरह से सब्जियां तैयार करते हैं, उत्पादन करते हैं और उनको खाने में जहर मुक्त खेती भी कर रहे हैं और लोगों को पैसे का भी फायदा हो रहा है। तो मिलवाते हैं मनोज जी से और आपकी बातचीत करवाते हैं कि किस तरह से काम। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हूँ सर, मस्त। तो सर आज एक अपनी वीडियो बनाने के लिए आए थे हम यहाँ, दर्शकों को काफी कुछ सीखने को मिलता है आपसे, तो आज आपको दर्शकों से मिलवाते हैं, कुछ बातचीत करवाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, आप इतनी दूर से इतनी ठंड के अंदर मेरे फार्म के ऊपर चल के आए हैं, और सभी दर्शकों को मैं राम राम कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि देखो सतीश भाई कितनी ठंड के अंदर भी आज हमारा वीडियो बनाने के लिए आए हैं, इनका दिल से थैंक्स करना चाहूँगा। तो सतीश जी मैं ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो मेरा आप देख रहे हैं, ये मेरा 7 एकड़ के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग है और पिछले मैं 2017 से फुल्ली ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। पहले मैं 1-2 एकड़ में ऑर्गेनिक करता था, लेकिन अभी मैं पूरे जो अभी यहाँ मेरा जो फार्म है 7 एकड़ का, उसमें पूर्ण मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, और ऑर्गेनिक भी यूँ कर रहा हूँ कि देखो अभी हालात तो इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं कि लोग इतना केमिकल, इतने पेस्टिसाइड डाल रहे हैं जिनकी इतनी बड़ी समस्या आ गई है, स्वास्थ्य मतलब बहुत ख़राब हो रहा है जी। ऐसे गांव-गांव में देखिए हर गांव के अंदर एक कैंसर का पेशेंट आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल। तो अभी यही है कि लोग जब तक खान पान को चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी। अभी मोदी जी की भी मुहिम चली हुई कि भाई जहर मुक्त खेती, बिल्कुल एक अभियान के तहत सिक्किम स्टेट है अपना पूरा 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, वहाँ भी एक मुहिम चलाई थी, उसी तरीके से हमने भी एक मुहिम छेड़ रखी है, जहर मुक्त खेती एक अभियान चला रखा है। गांव-गांव हम जाते हैं, किसानों को बताते हैं कि भाई बिल्कुल विदाउट केमिकल आप खेती करो। तो सबसे पहले हमने शुरुआत किया, लोग मेरे फार्म को देखने के लिए आते हैं कि भाई किस तरीके से ये करता है, तो हम बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बिल्कुल आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से हमने मतलब पहले हम प्योरली जो खेती है हमारे सरसों और गेहूँ ये बाजरा वगैरह यही करते थे जी। लेकिन अब हम मैं इस अब की बार वेजिटेबल के ऊपर आया हूँ, सब्जी के ऊपर आया हूँ कि भी अब की बार हम सब्जी को करके देखते हैं कि कैसा क्या रिजल्ट, क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केमिकल डाला जा रहा है वो सब्जी के अंदर डाला सब्जी के अंदर बिल्कुल हाँ, मतलब अपने गेहूं के अंदर तो यूरिया DAP वगैरह अभी खरपतवार करने लगे, पहले नहीं करते थे लोग, लेकिन उसके दुष्परिणाम आप देख रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट, कोई BP का पेशेंट है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब खान पान से हो रहा है। बिल्कुल। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि वेजिटेबल के अंदर इतना ज्यादा केमिकल डाला जा रहा है जिसको पैमाने से कहीं ज्यादा है, तो हमने शुरुआत किया है और अब की बार अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है कि आप देख सकते हैं ये हमारी फसल है, बिल्कुल टमाटर की हमने अभी लगाया था, बैंगन लगाया था, 3 तरह के हमने बैंगन की खेती की थी, टमाटर हमने लगा रखे हैं अभी, और हमने गोभी लगाई थी, मैंने 6 तरीके की गोभी लगाई थी सतीश सर, और अभी गोभी तो हमने निकाल दी क्योंकि हमारी लास्ट एंडिंग है वो गोभी, मिर्च लगा रखी थी और मिर्च हमारी चली हुई है अभी फिलहाल, और बहुत अच्छा मतलब ऑर्गेनिक के अंदर जो इनकी क्वालिटी जो आई है वो रियल में केमिकल वालों के भी नहीं आ रही, मैंने किसानों के खेतों में जाके देखा जो केमिकल से कर रहे हैं उनसे कहीं बेटर हमारा ऑर्गेनिक का है। बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं, पहली बार हम देख रहे हैं और आप भी देखिए किस तरह के मतलब की सब्जी पे फल आया हुआ है, किस तरह से टमाटर अगर आप देखोगे पौधों में तो कितनी भारी मात्रा में लगे हुए, शायद आपने कहीं देखे होंगे,
बिल्कुल सर, ये कैपेसिटी से बाहर, यानी कि पौधे की जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा इनको फल लगा हुआ है। दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच किलो तक टमाटर लगे हुए हैं एक एक पेड़ पे, बहुत ही अचंभे की पैदावार और प्योर ऑर्गेनिक तरीके से। ये देखिए बिल्कुल, आप एक पौधा है ये उठ नहीं पा रहा, इतने टमाटर लगे हुए हैं इस पर, कितनी भारी मात्रा में। और फ्रूट भी देखिए एकदम, मतलब की सब्जी ग्रोथ और कितने साइज बढ़िया, एकदम क्वालिटी इतनी बढ़िया कि बस आप देखते ही मतलब दिल करेगा कि हाँ ये है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है प्योर, ना इसमें कोई दवाई ना खाद किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल, ये देखिए आप देख सकते हैं। और सतीश सर, आपने तो हमारा टमाटर अभी, मैंने अभी टमाटर खा के भी देखा है, बिल्कुल ऐसा बोलते हैं देसी भाषा में मड़ाई वर्ग का टमाटर था, जैसे कि सेव खा रहे हो इस तरह के टमाटर। ये खाने में अलग ही एक टेस्ट, और मतलब कि वो बीमारी बीमारियों से तो दूर रखता ही है, खाने के भी टेस्ट अलग हो जाता है इस सब्जी का। और पैदावार की बात करें तो कहते हैं कि ऑर्गेनिक पे पैदावार कम होती है, कम ऊपर तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आप वो कहते हैं ना परोक्ष को, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप सबके सामने लगे रहे हैं पूरी ये बाड़ी में। देखिये टमाटर कहीं भी ये नहीं कि यही पौधा है, किसी भी पौधे को देखिए आप इसी तरह लदे हुए हैं पौधों टमाटरों से। तो पैदा की अगर बात करें तो बहुत ही भारी मात्रा में है, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए पौधे नजदीक से दिखाइए भाई कैमरा मैन एक बार, किस तरह से हर पौधे लदे हुए हैं टमाटरों से। अगर ऑर्गेनिक तरीके से इस तरह की फसल की जाती है तो हमारा तो कहना यही कि ऑर्गेनिक ही अपनाएं फिर। ये देखिए कितनी भारी मात्रा में टमाटर लगे हुए हैं हर पौधे पे, किसी पौधे को देख लो आप इसी तरह से लदपद हो रहे हैं टमाटरों से। और ये इधर बैंगन की खेती के बारे में बताएंगे, दो तीन प्रकार के बैंगन लगाए हुए हैं उन्होंने, अलग अलग किस्म के जो हमने शायद देखे नहीं आज तक, कांटों वाले बैंगन, इस तरह के सब्जी भी दिखाएंगे मनोज जी अभी, बैंगनों के बारे में बताएंगे। ये टमाटर दिखा रहे हैं हम आपको, और किस तरह से तैयारी करके और कितनी बढ़िया उपज ले रहे हैं, और वो भी प्योर ऑर्गेनिक तरीके से। गोभी भी लगाई हुई थी मनोज सर, बिल्कुल ये हमारे इन पैदों के ऊपर गोभी थी, इसकी फसल ले चुके हैं आप? ये फसल ले चुके हैं सर, ये गोभी की फसल, गोभी की फसल ले चुके हैं, पूरी हो चुकी है वो। और अभी फिलहाल टमाटर और बैंगन लगे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरह से फसल दे रहे हैं ये, कितनी भारी मात्रा में लगा रहे हैं हर पौधे को। आप देखोगे तो अचंभित रह जाओगे कि इतनी भारी मात्रा में टमाटर शायद ही कहीं लगते होंगे ऑर्गेनिक तरीके से, और वो भी प्योर ऑर्गेनिक तरीके से। मनोज जी बैंगन के बारे में थोड़ा और बताइए, कौन सी किस्म के बैंगन है और ये कितनी क्या इसमें उपज हुई किस तरह से? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा सतीश जी, ये हमारे जो बैंगन है देखो ये इनको चुचू बैंगन बोला जाता है, चुचू बैंगन है। हाँ, एक हमारे गोल बड़ा बैंगन वाला है, उसकी साइज जो है इसकी साइज यही रहेगी, इसकी साइज यही रहेगी, चुचू बैंगन इसी साइज का होता है। ये जो बैंगन है ये थोड़ा सा बड़ी साइज का है, इस बेड में थोड़ा सा अलग टाइप के हमने लगा रखे हैं, इसकी साइज थोड़ी बड़ी जाएगी, और इससे थोड़ी बड़ी जाएगी, इससे बड़ी साइज नहीं जाएगी, मीडियम साइज का जो होता है, मीडियम साइज का। और दूसरा हमने एक कांटों वाला बैंगन लगा रखा है, वो अलग बेड है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उसके अंदर वो पूरे उस पेड़ के ही कांटे हैं, और वो जो बैंगन लगता है उसके नाकू के भी कांटे होते हैं, लेकिन उनका जो स्वाद ऐसा आता है, उसकी क्वालिटी है सर, मतलब खाने के अंदर इनसे कहीं बेटर उनकी क्वालिटी है, टेस्टी होते हैं वो, टेस्टी होते हैं सर। एक बार थोड़ा घुमा के वाइट टमाटर की फसल दिखाइए एक बार, ये पूरा देखिए ऑर्गेनिक तरीके से जीव अमृत बनाया हुआ है, जो पौधों के लिए जब उसका नाम ही जीव अमृत हो गया तो समझ लिए कि वो उनके लिए एक अमृत का काम करता है ये। और ये भी ऑर्गेनिक तरीके से खुद तैयार करते हैं घर पे ही, बिल्कुल तो ये घर पे तैयार करता हूँ, किस तरह से तैयार करता हूँ भी बता देता हूँ। इस 200 लीटर के ड्रम में हमने 10 किलो गाय का गोबर डाला हुआ है जी, और हमने बढ़ के नीचे की मिट्टी जो है वो 3 किलो बढ़ के नीचे जो मिट्टी होती है जड़ों की मिट्टी डाली हुई है, और इसके अंदर हमने 2 केजी गुड़, पुराना गुड़ हमने डाला हुआ है, और
उसके बाद हमने डाला है इसमें सरसों की खल, 2 kg सरसों की खल डाली हुई है, 2 kg हमने बेसन डाला हुआ है जी, और उसके बाद हमने थोड़ी सी 5-10 हमने कील डाली हुई है इसके अंदर, लोहे की कील, लोहे की कील, और हमने गाय का गोबर हमने बता ही दिया है, गोमूत्र, गोमूत्र हो गया इसमें 10 लीटर हमने गाय का गोमूत्र, देसी गाय का गोमूत्र डाला हुआ है, जिससे हमने ये बिल्कुल जीव अमृत तैयार कर रखा है। एक बार दिखाइए जीव अमृत नजदीक से। ये जीव अमृत खुद जो बताए इन्होंने, ये इसमें आइटम डाल के तैयार किया हुआ है, और इसको किस तरह से फिर डालते हो इसमें? ये हाँ सर, ये बिल्कुल मैं बताऊंगा, ये हम बिल्कुल इसको छानते हैं, जैसे हमने ये बना दिया, इसको फिर हम छानते हैं जी। छानने के बाद ये हमने वेंचुरी लगा रखी है, देखो जब हमारी ये वेंचुरी है, वेंचुरी के द्वारा ये बिल्कुल छन जाता है, छानने के बाद भी हम ये छलनी है इसके ऊपर, इसके बिल्कुल आराम से बाल्टी में डाल डाल के हम छानते हैं बाल्टी के अंदर, और इसके अंदर ऐसे देखे, ये वेंचुरी से पौधों की जड़ों तक चला जाता है। ड्रॉप सिस्टम का रखा है? हाँ ड्रॉप, बिल्कुल ड्रिप सिस्टम है सर, पूरा मैंने ड्रिप सिस्टम लगवा रखा है, ये हर पौधे की जड़ में, हर पौधे की जड़ में ये बिल्कुल इस जीवामृत भी जाता है, और पानी भी इसी तरह से देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम पानी भी इसी तरीके से देते हैं। ये मेरे देखो हमारे इधर सतीश सर, एक्चुअल पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया, पानी है ही नहीं। ये अभी जो मेरे पास पानी है, मेरा जो बोर अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, वो मेरा 4th बोर मैंने किया है, तब जाके ये पानी लगा है। पानी की बहुत किलो बहुत नीचे जा चुका है पानी, पानी बचाने का सबसे बढ़िया 1200 फुट तक मैंने नीचे बोर करवा दिया था, पेवर बजरी चली हुई थी, ये तो किसी गुरु महाराज जी की कृपा से पता नहीं कैसे चल रहा है, बस चल रहा है, राम हवाले चला हुआ है बिल्कुल। लेकिन अब हमें पानी बचाना है, हमारे लोग यहाँ फवारे चलाते हैं, जो 3 घंटे के 1 एकड़ जो होती है उसके अंदर 10 ये लाइन को पलटी की जाती है, यानी कि 10 लाइन बदलते हैं, 1 लाइन 3 घंटे में बिकती है जी। अब मामला ये है कि हमने किसानों को गांव में बताया, हमारे अड़ोस पड़ोस किसानों को बताया कि भाई हमारा जल स्तर नीचे चला गया है जी। अब किसी भी तरीके से हमें जल को रोकना पड़ेगा, तो हमारे ये स्प्रिंकलर के 1 एकड़ के अंदर ये जो फुहारे लगे हुए हैं जी, ये बिल्कुल सब्सिडी से मिले हुए हैं, तब मेरे को करीब ये 9000 रुपये के लगे थे, और ये 1 एकड़ के अंदर हमारे जो है ये 1 घंटे 3 घंटे में पूरे एकड़ को ही पूरा सिंचाई कर देते हैं। वो हमारी जो लाइन चलती है वो 3 घंटे में एक लाइन, और 1 एकड़ में 10 लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन ये हमारे 3 घंटे के अंदर पूरे एकड़ के अंदर 30 घंटे जो पानी चलना था वो पूर्ति 3 घंटे में, 3 घंटे में पूरा वेस्टेज पानी बच जाता है, बच जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा स्वाद देखिए पानी को रोकने का, ये हमारा ड्रिप सिस्टम है इसके अंदर, ये मेरा पूरा एकड़ के अंदर मैं मात्र ही 25 मिनट मोटर चलाता हूँ, जो मेरे पूरे 1 एकड़ के अंदर पूर्ति हो जाती है। 1 एकड़ में केवल 25 मिनट पानी चलाने से पानी की पूर्ति हो जाती है पौधे में, क्योंकि ये ड्रॉप सिस्टम हर पौधे की जड़ में जाता है, जड़ में जाता है, जितने पौधे को जरूरत है उतनी उसकी पूर्ति हो जाती है, वेस्टेज पानी कहीं बाहर नहीं जाता। पानी बचाने का एक बहुत रास्ता अपना रखा है इन्होंने, और ये लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि इस तरह से आप सभी को पानी अगर हम बचाने का प्रयास करेंगे तो ही पानी को बचा पाएंगे, वरना पानी खत्म होने की कगार पर है, कल लोग प्यासे मरेंगे, उसको आज से ही हमें रोकना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, तभी जाके हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जी पाएंगी, पानी पी पाएंगी, रह पाएंगे। तो पानी बचाने का एक बहुत अच्छा साधन है ये ड्रॉप सिस्टम करके, जो केवल पौधे की जड़ तक जितने पानी की जरूरत है उतना ही पानी यूज होता है, वेस्टेज पानी नहीं जाता इससे। तो मनोज जी ने ये सिस्टम भी लगा रखा है आप बिल्कुल ये इससे ड्रिप से, देखो मेरे को जो वेंचुरी से जाएगा वो जो भी हमें खुराक देनी है वो वेंचुरी से चली जाएगी जी, और ये उतनी ही जाएगी, ये फालतू वेस्ट भी नहीं जाएगा, पौधे की बिल्कुल जड़ में जाएगा और पौधे को मतलब पूर्ति कर देगा जी। और एक बात और की है, इस पे जैसे आपने फवारा सिस्टम लगा रखा है, इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है? बिल्कुल सब्सिडी दे रही है, एक लगभग समझिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट मान के चलिए, मात्र थोड़ा सा पैसा खर्चा करके गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है पानी को सिर्फ बचाने के लिए। तो आप सभी को ये चीज अपनानी चाहिए जिससे हमारा पानी बच सके आगे भविष्य में। बिल्कुल सर। दूसरा मैं प्रोडक्टों को यूज करता हूँ, मैं नेचर बायोफिट कंपनी के मैं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूँ, बिल्कुल जितने भी प्रोडक्ट मैं नेचर बायोफिट के प्रोडक्टों को यूज करता हूँ, मैं इनके बारे में भी थोड़ा सा सब किसानों को डीपली बताना चाहूंगा कि ये SHET सोयल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, ये सब बोतलें जो है ये देखिए आप देख सकते हैं, ए प्रोडक्ट ऑफ DSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाई R&D, यानी कि कोई भी अप्रूव्ड भारत सरकार से प्रमाणित ये सब बोतलें हैं, और मार्केट के अंदर बड़ी धांधली चली हुई है सतीश जी कि मतलब ऑर्गेनिक के ऊपर लोग लूट कसूट पता नहीं क्या क्या चला हुआ है,
एक्चुअल किसानों को पता ही नहीं है कि भाई हम ऑर्गेनिक डालेंगे तो यह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है या नहीं है, नहीं है जी। लेकिन कोई भी साथी कोई किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट डालिए लेकिन वो प्रमाणित प्रोडक्ट डालिए, बाकायदा उसके ऊपर प्रमाणित होना चाहिए DSIR जी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा सोयल के लिए है, ये हमारी एक एकड़ के अंदर हम एक बोतल डाली थी सभी पौधों की जड़ों में वेंचुरी के द्वारा, पानी में मिलाकर डाली जाती है, पानी में मिलाकर डाली जाती है एक एकड़ में एक लीटर, बिल्कुल एक एकड़ के अंदर एक लीटर, ये पहली साल एक बोतल जी। और मैं तो पिछले 5 साल से ऑर्गेनिक कर रहा हूँ तो सर ये कंपनी बोल रही है, नेचुरल कंपनी बोल रही है कि ये एक बोतल 8 एकड़ के लिए पर्याप्त है, एक ही बोतल जी। लेकिन अभी मैंने देखिए अभी भी इसमें बची हुई है, ये मैंने लगभग ये है कि एक ही बोतल मैंने मेरे 7 एकड़ के अंदर पूर्ति कर दी है, एक बोतल से। ये काम क्या करती है? ये काम करती है सर, ये सोयल के लिए अपनी भूमि को उर्वरा शक्ति मतलब नीचे जो पोषक तत्व पड़े हुए हैं अपनी भूमि को मतलब मुलायम करती है, भुरभुरी करती है यानी कि, और ये अपने जो पोषक तत्व जड़ों तक लेके आती है, उर्वरक शक्ति बढ़ाती है, उर्वरक शक्ति बढ़ाती है। दूसरा मैं इसके बारे में मैं बताऊंगा कि अपने DAP डाल के हमारे यहाँ लेयर बन चुकी है, हमारी भूमि जो है वो कठोर बन चुकी है जी। ये उस लेयर को तोड़ देती है, इसके अंदर बैक्टीरिया है, जीवाणु है इसके अंदर जी। और जैविक का मतलब होते हैं जिंदा जीवाणु, जीवाणु जी। ये तो हो गया हमारी भूमि के लिए। अब दूसरा ये मैं प्रोडक्ट आपको बताऊंगा कि ये हमारा है बायोफिट, नेक्स्ट बायोफिट का स्टीम रिच है सर, हम इसका ग्रोथ के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, मेरे पूरी वेजिटेबल के अंदर इसी का प्रयोग हो रहा है सर, मेरे जितने भी मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग है सब इन प्रोडक्टों का। जीवामृत तो मेरा है ही है, जीवामृत तो इनके जड़ों के लिए वो खुराक है ही है जी। यानी कि सबसे पहले तो मैं पूरे खेत के अंदर बिल्कुल छिक मार में अपना देसी गोबर का खाद भरवाता हूँ, गौशाला से मैं लेके आता हूँ जी, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी ये सीड डालता हूँ जी। अब रह गया कि जब हमारी 3-4 पत्ती की जब फसल हो जाती है तब मैं पहली स्प्रे इनको देता हूँ स्टीमरिच और ये बायो 99 की, ये हमारी बायो 99, और इनका ज्यादा डोज नहीं लिया जाता, ये 1 लीटर पानी में 1 ml लेना, 1 लीटर पानी में 1 ml, 1 ml यानी कि 15 लीटर की जो टंकी होती है 15 ml ये होती है, और ये 3 लीटर पानी में 1 ml। किसान भाई कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, इनकी डोज बहुत कम होती है, मेन चीज ये है, महंगे नहीं होते, इनकी डोज कम होती है। दूसरा 15 लीटर की टंकी के अंदर सिर्फ ये 5 ml लिया जाता है जी, ठीक है सर। ये हो गया हमारा ग्रोथ प्रमोटर, ये ग्रोथ करते हैं, बिल्कुल ग्रोथ करते हैं ये, हाँ ये वेजिटेबल या मेरे गेहूं या सरसों या जो भी आप देखेंगे सब इन्हीं का रिजल्ट है। अभी जो टमाटर आप देख रहे हैं ये सब इन्हीं की बदौलत है सर। दूसरा हमने इनकी जड़ों के अंदर ये भी हमारे नेटवर्क बायोफिट के प्रोडक्ट हैं, इनको भी हमने बिल्कुल जड़ों के अंदर मिट्टी सोयल के लिए दिया है जी, जिनका रिजल्ट आप लोग बिल्कुल देखेंगे। इनके मैं गेहूं के अंदर जड़ें भी पाड़ के दिखाऊंगा, जो केमिकल से कर रहे हैं उनकी जड़ें पाड़ के आप लोगों को अंतर दिखाऊंगा। तो ये सब ये प्रोडक्ट हैं सर जी, इनको उसी तरह पानी में घोल के यूज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर सेम हम वेंचुरी से ही देते हैं, इनको भी वेंचुरी से देते हैं, तो ये भी पौधों को ताकत देते हैं, पौधों को ताकत देते हैं, जमीन को उपजाऊ और बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। एक हमारा ये हमारा इंटेक्ट का प्रोडक्ट है, ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, और ये इस प्रोडक्ट की मैं थोड़े से कारनामे बताऊं आपको। तो मिर्च के अंदर मरोड़िया जो आ जाता है, मरोड़िया को ये बिल्कुल खत्म कर देता है, आए हुए मरोड़िया को खत्म कर देता है, या बराबर हम इसकी स्प्रे रखेंगे तो मरोड़िया आएगा ही नहीं। पानी में मिला के स्प्रे होती है इसकी, पानी में मिला के यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ml होता है जी, ठीक है सर। तो इसका बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट, बैंगन के अंदर एक सुंडी आती है, बैंगन में जिनके भी बैंगन खेती जो केमिकल से कर रहे हैं, मैंने काफी किसानों के खेतों में जाके देखा है, तो उनको एक सुंडी आती है और उसकी मुंडी तोड़ देती है बैंगन जी। अभी ये इंटेक्ट ये सब सिस्टोमेटिक काम करते हैं सर, ये हमारा बायो 99 और इंटेक्ट ये दोनों का कॉम्बो है, इनको मिला के हम स्प्रे करेंगे। अभी मेरे बैंगन का बिल्कुल आप देख सकते हैं, किसी भी बैंगन के ऊपर किसी भी तरह का कोई आपको रोग नहीं मिलेगा, कोई रोग नहीं है बिल्कुल, और कोई आपको कीड़ा वगैरह कीट वगैरह नहीं मिलेगा जी। ये बिल्कुल सब सर्टिफाइड प्रोडक्ट है,
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक तरीके से ही, इसमें जहर नहीं है किसी भी आइटम में। बिल्कुल सर, देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल या कोई भी जहर नहीं है जी। और हम बोलते हैं, ये हमारी ट्रेनिंग में बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, अगर ह्यूमन बॉडी अगर उसको कोई भी को टच कर ले गया या नुकसानदायक होता है, नुकसान हाँ कोई भी केमिकल होता है तो उससे तो बहुत खतरा होता है, सूंघने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसको सूंघने नहीं, अगर सर गलती से अगर इसको टच भी कर लेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं जाएगा बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और ये कीट को छोड़ता नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक जो भी प्रोडक्ट होते हैं किसी भी कंपनी के हो, चाहे वो नेटसर के हो चाहे किसी भी कंपनी के हो, कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो अपनी फसल के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और मार्केट के अंदर पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या लोग बेच रहे हैं, सबको ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, लेकिन किसान भाइयों को मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अंतर समझिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये सब अप्रूव्ड बाई अपेडा से अप्रूव्ड होने चाहिए या DSIR से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो ये सब चीज आप देख सकते हैं। दूसरा, मैं किसान भाइयों को ये पौध तैयार कर रखी है आपने? बिल्कुल हाँ, मैं दिखाना चाहूंगा, ये मैंने अपनी पौध तैयार कर रखी है अभी। किस चीज की पौध है सर? ये कद्दू घिया? नहीं, ये घिया है सर लौकी। ये मैंने किसान भाइयों को मैं बताना भी चाहूंगा दर्शकों को कि ये मैंने दो तरह की घिया, ये अवनी सुमन की मैंने लगाई है और ये महको 8 नंबर बीज मैंने अभी पौध लगा रखी है। ये मैंने इधर देखी, ये मैंने कोड़े की पौध लगा रखी है, ये पेठा की पौध है कोड़ा। बिल्कुल जी, मैं पौध ये अपनी खुद तैयार करता हूँ जी। तो अभी फसल में आपने क्या क्या तैयारी कर रखी है और किस चीज की सब्जी का उत्पादन और कर रहे हैं अभी जो आपने पैदावार ये लगा ये सर मैंने ये क्योंकि ये हमारे उधर की तो एंडिंग हो गई गोभी, ये गोभी बची हुई है अभी, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, और मैंने 5-6 तरीके की गोभी लगाई थी जी, अलग अलग कलर की गोभी लगाई थी। अभी इनका हमने प्रोडक्शन तोड़ लिया है, ये इस बैंगन की मैं बात कर रहा था। अच्छा, ये कांटों वाले बैंगन है सर, कांटे हैं जी हाँ, इसके नक्कों पर भी पूरे कांटे हैं और पेड़ पर पूरे कांटे हैं। इन बैंगनों का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, इसका टेस्ट अलग होता है सर। ये बंद गोभी लगी हुई है जी, ऊपरली तरफ फूल गोभी लगी हुई है जी, और ये जो इस तरफ जो पन्नी में लगा रखी ये किस चीज की सब्जी है मनोज जी? जो उस पर लेता अच्छा अच्छा वो मैंने तरबूज लगा रखा। तरबूज की खेती अभी कब फरवरी में आएगी क्या? ये सर मैंने नवंबर के एंड में लगाई है, नवंबर के एंड में थोड़ा सा अगेती लगाई है मैंने ये तरबूज की, और पैदावार मुनाफा थोड़ा ज्यादा मिलेगा शुरुआत में शायद। बिल्कुल बिल्कुल, रेट अच्छे मिल जाते हैं। मैंने मल्चिंग लगा रखी है ताकि खरपतवार नहीं हो, आप देख सकते हो किसी भी टाइप का कोई खरपतवार नहीं नजर आएगा कहीं भी खरपतवार। ये आपने मतलब कि ये खोदा हुआ नहीं है, है ही नहीं, उगा ही नहीं? नहीं उगा ही नहीं ना। कारण क्या है उसका? कारण ये कि एक तो हमने मल्चिंग लगा रखी है जी, दूसरा हम जो लोग ज्यादा रसायन डाल रहे हैं ना उनको खरपतवार ज्यादा होता है जी। हम तो बिल्कुल 5 साल हो गए ना कोई केमिकल डाल ही नहीं रहे, तो खरपतवार बिल्कुल ऑटोमेटिक कम है। दिखाएंगे मनोज जी अभी तरबूज की जो खेती उन्होंने तैयार कर रखी है, जो फसल काटने लेंगे ये नवंबर के माह में इन्होंने शुरुआत की है, इसकी रोपाई की गई है और अभी ये शायद फरवरी में सर तैयार हो जाएगी। ये मेरी लौकी लगा रखी सर मैंने, ये लौकी अभी बस एंडिंग में है, ये पूरा एंडिंग में पूरी फसल ले चुके हैं लौकी की, खत्म कर दी है लगभग, ये कुछ बची हुई बेले हैं, ये बस लास्ट की बची हुई है, और ये है तरबूज की फसल। और इन लौकी के ऊपर हमने उसके ऊपर लगा रखा था, ऊपर बांस के ऊपर लगा रखा है, ये बांस बिल्कुल हमने बिल्कुल बांस ले रखे हैं, और अभी ये जो पौध बना रखे हैं ये भी हम बांस के ऊपर लेंगे सर, पूरा इन बांस के ऊपर जैसे कि बेल फैलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इनका बांस से इनका पूरा वो बना के उसके ऊपर लेंगे सर। ये हमारी देसी गोबर की कोड़ी है सर, इसके अंदर हम जैसे मेरे पास देसी गाय है तो इसका आधा जो है वो हम देसी गाय का अलग रखते हैं, उसका कंपोस्ट मैं तैयार करता हूँ जी जी।
देसी गाय का गोबर अलग जगह डाल अलग, अलग से खाद तैयार अलग करते हैं। अलग से मैं खाद तैयार करता हूँ। ये मैं छोटी सी आपको दिखाना चाहूंगा, ये मैंने नवंबर के एंडिंग में ये मैंने टनल लगा रखे हैं ताकि बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरबूज की। ये तो थोड़ा स्टार्टिंग से था इसलिए थोड़ा सा ये सरसों का लग रहा है, लेकिन मैं दिखाता हूँ एक बार थोड़ा सा। यहाँ से देखिए बिल्कुल आपको ये हमने सर्दी का बचाव कर रखा है सर। ये देखिए तरबूज बिल्कुल तरबूज के बेल उग रहे हैं। ये बीज बोए थे क्या आपने? हाँ बीज बोए थे। या प्योर तैयार करके? ना ना बीज बोए थे सर, सीधे बीज बोए हुए हैं और ये अभी उग आए हैं। जी जी जी। और ये लगभग एक महीने में शायद पूरी बेल का रूप ले लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनमें हमने खुराक दे दी हमारी, एक तो जीव अमृत दे दिया है सर, ठीक है। और जीव अमृत के साथ हमने शीट और हमारे एनपीका का डोज हमने दे दिया। अभी ये सर्दी के बचाव के लिए कर रखे हैं कि भाई सर्दी में जी खराब ना हो, सीधा ओस और बर्फ का ऊपर इनके असर ना पड़े। बिल्कुल इसलिए तो बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं, किसी भी पौधे को कोई रोग नहीं है। और ये पूरी 7 एकड़ में मनोज जी ने खेती तैयार कर रखी है ऑर्गेनिक, चाहे सरसों हो, गेहूं हो या सब्जी हो, कोई भी प्रोडक्ट है सभी ऑर्गेनिक तरीके से तैयार कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, क्योंकि ये खान पान बहुत ज़रूरी है बदलना हमें ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करना और खाना, क्योंकि बीमारियों से सिर्फ यही है जो बचा सकता है, वरना कोई और रास्ता नहीं है बचाव का। तो मनोज जी काफ़ी इस लाइन में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और खुद भी इस तरह की खेती ले रहे हैं। अब आगे बताएंगे मनोज जी सरसों और गेहूँ के बारे में भी। सतीश जी मैं ये थोड़ा बताऊंगा कि ये जो मेरे पशु जो भी मैं पशु गाय भैंस रखता हूँ वो सब मेरा ऑर्गेनिक, हम ऑर्गेनिक खिलाते हैं। ये ऑर्गेनिक चारा हमने ये चारा है जो शायद जई बोलते हैं इसको। हाँ जई, बिल्कुल ये जई तैयार कर रखी है ऑर्गेनिक तरीके से पशु। और देखिए क्योंकि हम अगर ऑर्गेनिक सब्जी खाते हैं, अनाज खाते हैं और पशुओं से हम दूध पीते हैं, वो ऑर्गेनिक कैसे होगा? वो भी अगर ऑर्गेनिक फसल ऑर्गेनिक खाना खाएंगे तो ही ऑर्गेनिक दूध दे पाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो दूध दही घी हर चीज ऑर्गेनिक मिले, इसलिए इन्होंने उनके चारे के लिए भी ऑर्गेनिक ही खेती तैयार कर रखी है। जई हो, कासणी हो, बाजर हो, जो भी चीज हो, हमेशा ऑर्गेनिक तैयार करते हैं ताकि ऑर्गेनिक ही पशु खाएं, वो भी बीमार ना हो और स्वस्थ चीज शुद्ध चीज हमें दें। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब हमारे तो इधर पशुओं के लिए डॉक्टर वगैरह ही आए पता नहीं कितना टाइम हो गया जी, बाकी केवल नहीं तो हमारा कोई पशु बीमार होता है। ऑर्गेनिक खाने से बीमारियां तो खत्म ही हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी हद तक मतलब हम डॉक्टरों के नहीं जाते हैं सर। बिल्कुल। गाँव में जाके किसानों को बताते हैं, जागरूकता शिविर लगाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई ऑर्गेनिक बिल्कुल शुरुआत कर लो और अभी समय है। और अभी समय देखो बदलाव का है, सब कुछ बदलाव का है। अगर किसान भाई बदलेंगे ना अपने आप को, और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से, कोई भाई ये बोल रहा है कि भाई ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन कम होता है, देखो प्रोडक्शन मैं मानता हूँ कि पहली बार में अगर आप बिल्कुल यूरिया केमिकल डीएपी वगैरह एकदम खत्म करोगे तो आपका प्रोडक्शन कम जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, पहले साल कम जाएगा, लेकिन निरंतर उस पर काम करते रहोगे। देखो होता क्या है कि मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान भाई जितना भी आप केमिकल डाल रहे हैं, जैसे कि डीएपी का एक कट्टा आप डाल रहे हैं तो पहली बार में आप आधा कट्टा कर लीजिए, जियो अमृत का सहयोग ले लीजिए, जियो अमृत ले लीजिए, नेटसर बायोफिट के प्रोडक्टों का सहारा ले लीजिए, आपका प्रोडक्शन कम नहीं जाएगा। कम तब जाता है जब कोई किसान एकदम से बंद कर देता है, एकदम रसायन को केमिकल को बंद करेगा और वो कहेगा कि मैं ऑर्गेनिक पे आऊंगा तो उसका प्रोडक्शन कम जाएगा। तो प्रोडक्शन कम नहीं जाएगा क्योंकि वो हाफ की धीरे धीरे खत्म कीजिए। और ऑर्गेनिक कोई कहना चाहे कि मैं पहले साल में ऑर्गेनिक कर लूंगा, ऑर्गेनिक होने में 4 से 5 साल लगते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल ग्राउंड की चीज है। बिल्कुल और ऑर्गेनिक से मतलब हमारे जो दूध का जो टेस्ट आता है ना सर, वो अलग ही आता है, हमारा लस्सी का भी टेस्ट अलग ही आता है जी।
तो ये अभी मनोज जी ने हमें बताया था सब्जी के उत्पादन के बारे में, और अब ये दिखा रहे हैं अपनी जो खेती कर रहे हैं गेहूं सरसों की खेती, उनमें हमने देखा इनकी सरसों में और जो दूसरे यूरिया की खेती कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर दिखाई दिया हमने भी। इसलिए पूछा मनोज जी से कि सर ये इतना अंतर किस तरह से क्या करते हैं आप, वो भी थोड़ा किसानों को बताएं कि आप ऑर्गेनिक तरीके से सरसों और गेहूं की जो खेती कर रहे हैं उसमें कितना अंतर है और किस तरह से तैयार करते हैं आप। जी जी बिल्कुल सतीश जी, मैं बताना चाहूँगा आप देखिए कि ये इसमें सब मैंने जो बताया ना, मैं प्रयोग जो कर रहा हूँ खेती के अंदर जीवामृत वगैरह मैं तैयार करके वो प्रयोग कर रहा हूँ इनके जड़ों में, और मैंने NPK इनको दिया था और शीत जो शीत सॉइल हेल्थ एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी जो बताया था वो मैंने दे रखी है। लेकिन उसके बाद मैंने इसके ऊपर दो स्प्रे किए, एक लास्ट मोमेंट के ऊपर मैं 2-3 दिन में एक स्प्रे और करूँगा, थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा ख़राब है इसलिए। और इस स्प्रे से देखो क्या होगा, एक तो इसके अंदर कोई भी रोग नहीं है, और हमारे बिल्कुल केमिकल जो इस्तेमाल कर रही है मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, उनकी सिरसों के अंदर रोग आया हुआ है अभी जी, और इस सिरसों के अंदर कोई भी आपको रोग, हमें ये पता था कि भाई सिरसों के अंदर रोग आता है उससे पहले ही हमने वो सप्रे मार दी थी। हमारी एक रैपिड प्रोडक्ट है रैपिड नाम का जो फंगस वगैरह उसको खत्म करता है, हमने वो सप्रे सेकंड वाली। सप्रे करते कैसे हो? सप्रे मैं बिल्कुल हाथ की टंकी से करता हूँ सर, हाथ की टंकी से बिल्कुल, अपने वो हाथ वाली टंकी वो मोटर वाली ला रखी है। इतनी बारिश सरसों में हो जाती है सर आसानी से? हाँ सर बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से तरीके से निकल जाते हैं। ये है कि जहाँ 6 टंकी 5 टंकी लगती है वो 8-9 टंकी लग जाएंगे, फर्क इतना ही है, बाकी आराम से तसली से हो जाती है काम, कोई ऐसा नहीं है। ये देखिए इसमें अंतर आपको ये नजर आ जाएगा, ये फली आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो फली है देखिए, ये जो लास्ट हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या होता है, नेचुरल बायोफिट के प्रोडक्ट की मेन क्वालिटी होती है कि जो ये दाना जो है ना, ये फली जो नीचे से मोटी है उतनी ही ऊपर तक मोटी जाएगी। दूसरा इसका जो दाना है, ये लास्ट जो छोर का जो दाना है लास्ट वो छोर वाला बिल्कुल बारीक हो जाता है वो दाना, अगर देखते अपने, हम तो हाँ यूरिया DAP वाली में बारीक हो जाता है, इसमें सेम दाना रहेगा, फड़ी भी हो जैसे नीचे से मोटे चलते ऊपर बिल्कुल बारीक हो जाता है। जी जी जी, जो इनकी ग्रेविटी आती है, जो हम इसका सैंपल लेते हैं तो इसका तेल का पूरा सैंपल जी, और मैं अपनी सरसों का तेल निकलवाता हूँ सर, मेरे पास कस्टमर जो मेरे परमानेंट कस्टमर हैं, जो मेरे ऑर्गेनिक वेजिटेबल के भी कस्टमर हैं, और मैं मेरी ऑर्गेनिक वेजिटेबल को और सरसों के तेल को मैं गुड़गांव लेके जाता हूँ जी, गुड़गांव मेरे पास कस्टमर है मेरे पास जी, तो वो मेरे प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक को ये चीज हमने कुछ अलग देखने को मिली है जो बता रहे हैं मनोज जी की, इसकी फड़ी जो है सरसों की आप देखिए, फड़ी नीचे से लेके ऊपर तक बराबर फड़ी है, ये ऐसा नहीं है कि नीचे से मोटी और फिर जाती जाती पतली हो जाती है, कोई भी फली लेकिन ये सब बराबर है, और दाने भी क्योंकि अभी शुरुआत है इन फलियों की तो दाने भी हम देख रहे हैं नीचे से लेके ऊपर तक दाने से भरी हुई है और बराबर की फली है, शायद देखते हैं उसमें भी ऐसा है या कुछ अलग है वो भी देखेंगे हम, लेकिन यहाँ ये चीज जरूर दिखाई दे रही है कि फली इक्षारी है और दाने नीचे से ऊपर तक, इसका दाना भी इक्वल आएगा बिल्कुल, और इसकी जब लैब करवाओगे इसकी ग्रेविटी जो निकालते हैं तो वो पूरा आएगा जी। तो ये देखिए मनोज जी की खेती, और अब हम देखते हैं जो यूरिया वगैरह से तैयार करते हैं उनकी सरसों में भी कितना अंतर है जी। तो साथियों अभी हमने आपको दिखाई मनोज जी की सब्जी की खेती भी और सरसों की खेती भी जो प्योर ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, और ये देखिए यूरिया और जहर युक्त खेती किस तरह से, मतलब कि पेड़ अगर आप सच पूछें तो ढूंढ ढूंढ के दिखाने पड़ेंगे वीडियो में कि कहाँ पेड़, ये देखिए यूरिया और केमिकल वाली खेती है जो बिल्कुल, एक बार मनोज जी की खेती दिखाई सामने, ये सब्जी लग रही और इसके साइड में सरसों की खेती, और उनके बिल्कुल बगल में ये खेती है सरसों की जो यूरिया और केमिकल वगैरह से तैयार की हुई है, जिस तरह की आम आदमी हर व्यक्ति कर रहा है आजकल वो खेती है। देखिए इसमें उपज देखिए, खेती देखिए किस तरह खड़ी है, पेड़ एक यहाँ एक वहां, मतलब की कहीं कहीं पेड़ भी ढूंढ ढूंढ के कैमरे में लेके आने पड़ेंगे। और बात करें फसल की और इसकी उपज की और फलियों की, तो ये देखिए इसका सारा टॉप का पौधा है, हमने अच्छे से ढूंढ के तब देखा है ये पौधा, वो भी फलियां थी ये भी फलियां हैं, आप अच्छे से देख रहे हैं, एक तो फली कितनी गहरी और पौधे को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दम है पौधे में कितनी वो है, और ये फली देखिए जो हम वहाँ चीज देख रहे थे सेम वही बात है नीचे से, ये तो कहाँ नीचे से भी नहीं है सर जी मोटी, ये तो नीचे से भी मोटी नहीं है, मैं सोच रहा नीचे से मोटी ऊपर पतली, लेकिन तो नीचे से भी पतली और ऊपर से बिल्कुल पतली खत्म, और हर तरह ऐसी है, और पेड़ कहीं कहीं
तो क्या फायदा बताइए इस यूरिया और इस जहर युक्त खेती का करने का? ऑर्गेनिक तरीके से तो बहुत अच्छी पैदा हो रही है वहाँ पे। ये खेत जरा देखिए कैमरा में थोड़ा आगे तक दिखाए कि इसी खेत के अंदर अगर देसी गोबर का खाद डाल दिया जाता, अगर देसी गाय का गोबर का खाद या कंपोस्ट खाद डाल दिया जाता तो इसमें इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। खाद नहीं डालते सर वो, क्योंकि उन्हें विश्वास है यूरिया पे कि बोने के बाद यूरिया डाल देंगे, डीएपी बोआ दिया और फिर यूरिया डाल देंगे और रिजल्ट आपके सामने है, देखिए। तो यूरिया डीएपी का तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, और भी मैं खेत पड़ोसियों की दिखाता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल आप देख लीजिए क्या परिणाम। पूरे खेत का यही हाल है, इस तरफ उस तरफ कहीं देख लो पेड़ ही कहीं कहीं है। तो अभी सरसों की खेती हम देख के आए हैं मनोज जी की ऑर्गेनिक खेत, और एक दूसरा जो यूरिया से तैयार किया गया खेत है वो, और अब हम आपको दिखा रहे हैं मनोज जी का ऑर्गेनिक तरीके से गेहूं की तैयारी जो कर रखी है, गेहूं उत्पादन कर रहे हैं उस खेत में खड़े हैं हम। ये मनोज जी का ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ गेहूं का खेत है, और इसके बाद हम बराबर में जो खेत है अलग वो दिखाएंगे जो यूरिया से तैयार की गई फसल तैयार कर रहे हैं वो। तो ये देखिए गेहूं, ये मतलब कि मनोज जी एक बात बताऊं आपको, मैंने क्योंकि गेहूं थोड़ा बहुत जिम्मेदार हम भी करते हैं, हम भी बोते हैं गेहूं, तो वहाँ हमने देखे सिंगल लाउंड भी करते हैं, उगाते भी हैं, पानी भी देते हैं, तो थोड़ा बहुत देखते हैं हम तो, क्योंकि सिंगल एक सिंगल गेहूं मिलेगा एक एक टहनी के, और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरह से बोझे बने हुए हैं। देसी भाषा में अगर बात करें तो देखिए बोझा, एक पेड़ का किस तरह से बोझा बना हुआ है, जैसे कि थोड़ा बड़ा होने के बाद झुंडे का, एक छोटे झुंडे का आकार ले लेंगे शायद ये, बिल्कुल एक पौधे में मतलब पूरा झुंडे की तरह तैयार हो रहा है। तो उपज कितनी ज्यादा होगी ये अंदाजा लगा सकते हैं इन छोटे छोटे बोझड़ों से ही, क्योंकि एक पौधे से अगर 10 पेड़ निकल रहे हैं तो 10 गुना खेती सीधी सीधी हो रही है। तो कितना अंतर है इस खेती में ऑर्गेनिक तरीके से, और ये बीज भी शायद कोई विशेष है क्या? नहीं, ये आपका 283 बीज है, ये 283 जो गेहूं होते हैं वो रखे हैं, लेकिन फूट इन की किस वजह से ऑर्गेनिक की वजह से? सर बिल्कुल ऑर्गेनिक की वजह से, क्योंकि वो जो सीट हमने एनपीके और सीट डाला हुआ है उनकी वजह से ये सब फूटा हुआ है, लेकिन हमने प्रोडक्शन बहुत पहले कम ले लिया। लोगों के यूरिया डीएपी जो डालने हैं उनका 60 मन 55 मन का होता था और हमारे 30 मन 32 मन का होता था, जो फर्स्ट टाइम किया जब फर्स्ट टाइम किया था, क्योंकि हमने बिल्कुल थोड़ा बहुत डालते थे वो बिल्कुल बंद किया था, उससे प्रॉब्लम आई थी। लेकिन अब जो स्थिति है कि 5 साल हो गए मेरे को अभी कोई भी केमिकल डाल रहा है उसके मुकाबले मेरा प्रोडक्शन कम नहीं जाएगा, और जैविक में, और जो वो खर्चा कर रहे हैं उनसे मेरा हाफ खर्चा है, उनसे आधा खर्चा। शुरुआत में जरूर दिक्कत आएगी 1-2 साल, लेकिन 2-3 साल के बाद अगर रूटीन से आप ऑर्गेनिक पे काम करते हैं एक अंतर नजर आएगा, तो रिजल्ट देखिए। आप कोई भी मेरा एक पौधा पाड़ लीजिए खेत का, देखो आपको सबसे बड़ा अंतर जो नजर आएगा ना, क्योंकि देखिए रियलिटी जो है सच्चाई जो बिल्कुल आपको आपकी आंखों के सामने दिखा रहे हैं हर चीज प्रैक्टिकल करके, कि ये गेहूं देखिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से फूटा हुआ है इसमें, यानी दूसरा ये देखिए जड़ गई, ये जड़े टूट गई, एक्चुअल टूट गई ये जड़े, और ये बिल्कुल जो जड़े है ना ये बिल्कुल आपको सफेद सफेद, और ये देखिए कितनी भारी जड़ है, गुच्छा सा, एक जैसे झुंडे के नीचे गुच्छा होता है इस तरह गुच्छा सा है एक पेड़ के नीचे, और एक पेड़ में कितने फुटा हुए हैं, और ये फुटा हुआ अभी निकलते ही आ रहे हैं अभी, तो ये झुंडानुमा पौधे बन रहे हैं, ये काफी कई गुना फसल देने के आकार अभी दिखाई दे रहे हैं पौधे शुरू से ही, और ये इनकी जड़ें देखिए कितनी भारी और पूरी गुत्थी की गुत्थी है। और अब हम कंपेयर करेंगे इसको एक अलग दूसरे खेत से जो कि ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बल्कि यूरिया और केमिकल डाल के जो खेती को तैयार कर रहे हैं वो दिखाएंगे हम आपको कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। देखो यूरिया डीएपी वाले में और हमारी फसल में थोड़ा सा अंतर आपको नजर ये आएगा कि हमारी थोड़ी सी तोतिया कलर की, थोड़ा सा तोतिया कलर की फसल आपको मिलेगी, इतनी गहरी कलर की नहीं, आपको पीला पीला सा नजर आएगा लेकिन ये पीली नहीं है सर, एक्चुअल ये उसकी कंपेयर अगर हम करेंगे तो वो जहाँ यूरिया डाला जाता है वो गहरा हरा कलर का होता है, ये हमारा तोतिया कलर का नेचुरल कलर है इसका। तो अभी हमने आपको दिखाया मनोज जी के जो गेहूं की खेती है और उसकी पैदावार भी दिखाई और पेड़ भी दिखाई किस तरह के हैं, और ये है एक यूरिया वाले खेत जो कि केमिकल डाल के खेती तैयार कर रहे हैं, उपज ले रहे हैं, उनके खेत के हालात देखिए आप किस तरह के हैं, ये है यूरिया की फसल, और वो ऑर्गेनिक भी आपको दिखाई थी अभी अभी, और इसको देखिए हम मनोज जी के पौधों की भी जड़ दिखाई थी, और ये देखिए कोई भी पेड़ है ना, कोई भी पेड़ सब सिंगल पेड़ है, ये किसी में जड़ या इस तरह के कुछ नहीं है जो वहां पे हमने देखे थे पौधे, और ये देखिए हम फाड़ के भी दिखाएं, ये देखिए ये सिंगल पेड़ है, हर पेड़ सिंगल, ये फसल ये यूरिया की फसल है देखिए आप। तो क्या फायदा फिर ऐसी फसल का, इससे अच्छा तो ऑर्गेनिक है शुद्ध खाने में और वैसे भी बढ़िया और उपज भी ज्यादा,
ये देखिए, ये है ऑर्गेनिक पौधे, एक पेड़ है ये ऑर्गेनिक, और एक ये भी देखिए ऑर्गेनिक पेड़ है, अभी आपको दिखाया एक पौधे में से कितनी फुट निकली हुई है, और वो एक सिंगल ही पेड़ है खाली। जड़े जो है ना बहुत लंबी, ये टूट गई बहुत लंबी, और ये बिल्कुल सफेद जड़े है, और देखिए बिल्कुल सतीश जी ने बताया ये सिंगल पेड़ है, देखिए देखिए इस तरह से, तो देखिए ये अंतर है। देखिए सबसे बड़ा फायदा तो आप सभी को जैसे पता है कि ऑर्गेनिक जो खाने में शुद्ध और स्वादिष्ट और मतलब कि एक बीमारी मुक्त रहता है, और ऊपर से उपज भी उसमें ज्यादा है, अगर आप लगातार 2 या 3 साल अगर कर लेते हैं ऑर्गेनिक खेती तो उसका रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे आपको पैदावार में भी। ये साफ आपको दिखाई दे रहा है एक ऑर्गेनिक फसल, और परली तरफ यूरिया और केमिकल वाली फसल। बिल्कुल एक पौधा है ये, सिंगल पौधा है, वो भी सिंगल पौधा है। बताइए उपज इसमें ज्यादा होगी या उसमें यूरिया वाले में, तो ये सब आपके सामने है। तो जमींदार भाई या खेती बाड़ी करने वाले सभी भाइयों से निवेदन भी है, क्योंकि हम पूरे समाज के लिए, क्योंकि खाना हम पैदा करते हैं तो केवल हम ही नहीं खाते, उसके अड़ोस पड़ोस या कहीं भी बाहर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हर आदमी इससे ग्रस्त होता है बीमारियों से, तो हमें ऑर्गेनिक पे चलना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। तो आप लोगों ने मनोज जी की खेती देखी ऑर्गेनिक तरीके से की हुई, हमने फसल भी दिखाई गेहूं और सरसों की, और सब्जियां भी दिखाई जो ऑर्गेनिक तरीके से ये उत्पादन ले रहे हैं काफी समय से, और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो एक बात हम मनोज जी पूछना चाहेंगे आपसे कि ये जो ऑर्गेनिक खेती बताते हैं कि 0 बजट पे शुरू होती है, इसकी सच्चाई कहाँ तक सच है कि कितना कुछ बजट लगता है शुरुआत करने में, अगर हम बात करें खर्चे की तो? सतीश जी देखो 0 बजट का सिर्फ एक नाम जी, 0 बजट होता कुछ नहीं है। अभी जीव अमृत भी तैयार कर रहे हैं तो कहीं बेसन आ रहा है, कहीं गुड़ आ रहा है, कुछ ना कुछ खर्चा तो लगता है, खर्चा तो लगता है ना, 0 बजट हम कैसे बोल सकते हैं जी। और फिर पूरा मैं तो बिल्कुल नेचुरल बायोफिट के प्रोडक्टों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं धन जीव अमृत बनाएंगे, कहीं वेस्ट कंपोजर बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो उसकी वजह तो ये हमारे प्रोडक्ट जो है ना जी, ये उससे उस मेहनत से कम। देखो इसमें ये साइंटिस्टों द्वारा बनाए गए हैं, इनमें जो बैक्टीरिया जो बनाई हम अभी जीव अमृत में बैक्टीरिया तैयार कर रहे हैं, बैक्टीरिया बने ना उनमें पैमाना तो नहीं है ना कितने बैक्टीरिया बने हैं क्या है, लेकिन ये जो बोतल है, ये जो बिल्कुल नेट्स ऑफ बायोफिट की जो बोतल है, ये साइंटिस्टों द्वारा बनाई गई है जी। इनके अंदर पैमाना है भाई, इतने बैक्टीरिया है, ये इतने ऐसे काम करेंगे, इतना डोज देंगे तो ऐसे काम करेंगे जी। तो यही कहूंगा कि मैं देखो बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, लेकिन जो बोलते हैं कि भाई 0 बजट खेती, तो 0 बजट कुछ नहीं होता है, 0 बजट एक नाम है, लेकिन खर्चा तो देखो हर चीज में लगता है। लेकिन ये है कि जो हम केमिकल यूरिया डीएपी जो खरपतवार वगैरह जो डाल रहे हैं ना, उनसे तो कहीं अपना खर्चा कम है, ये कम खर्चा है खर्चा, और उस जहर वाली खेती से काफी हद तक कम है, 0 बजट नहीं बोल सकते, लेकिन उससे काफी हद तक कम खर्चा इस फसल में होता है ऑर्गेनिक वाले। बिल्कुल देखिए मेरे गेहूं आपने देखे हैं, मेरे गेहूं के अभी ये बिल्कुल छोटे छोटे गेहूं हैं, इससे पहले ही मेरे पास गेहूं की पहले एडवांस बुकिंग हो गई है जी। कि सर हमें 1 बोरी दीजिए, हमें 2 बोरी दीजिए, और सब्जी की सब्जी मेरी ये वेजिटेबल मैं गुड़गांव में लेके जाता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे इधर लोकल के अंदर लोगों को हम बताते हैं फिर भी समझ नहीं पा रहे, पता नहीं क्या बात है कि पैसे का लोभ देखते हैं वो कुछ, तो पैसे का ऐसा तो इतना कुछ डिफरेंस भी नहीं है, हम ज्यादा रेट का भी ज्यादा डिफरेंस नहीं कर रखा है। ये मेरे जो टमाटर है ये गुड़गांव के अंदर मेरा 100 रुपये केजी जाता है, लेकिन यहाँ मैं देखो दुकान के ऊपर टमाटर 40 रुपये बिक रहा है, तो मैं मेरे फार्म के ऊपर कोई आता है तो मैं उसको 50 रुपये देता हूँ जी। तो मैंने ज्यादा रेट भी नहीं रख रखे हैं भाई, चलो फार्म के ऊपर चल के आ रहा है, चलो उसको हम इस रेट दे देते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे ऑर्गेनिक का भी पूरी तरह। लेकिन जिसने भी खाया है वो कहता है यार क्वालिटी तो बहुत गजब की है, जबरदस्त है सब चीज है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं बना पा रहे। और मैं कह रहा हूँ कि भाई सब्जी के अंदर जितना केमिकल डाला जा रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा आप डॉक्टरों के लगा दोगे पैसा, यहाँ जैविक के ऊपर जो यहाँ 50 रुपये का टमाटर नहीं खा सकते, लेकिन डॉक्टरों के फिर हजारों लाखों रुपए दोगे, उसके बजाय अपनी सेहत भी खराब कर लोगे और पैसे भी लग जाते हैं, इंसान बच भी नहीं पाता जी। जी बिल्कुल, तो यही कहना चाहूंगा कि जैविक बिल्कुल आप अपनाइए, और जैविक खेती देखो समझ के कीजिए, जैविक खेती में समय लगता है, कोई ये जल्दबाजी का सौदा नहीं है, एकदम ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में हम क्षण थोड़े टाइम की तो हम खुशी ले सकते हैं, थोड़े टाइम की खुशियां मिलती हैं, लेकिन अगर जैविक करेंगे तो लॉन्ग टाइम आपकी पीढ़ियों तक का मतलब बचाव हो जाएगा जी। तो इसी के साथ मैं सतीश सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, सतीश जी आप इतनी भरी कड़ाके की सर्दी में आप मेरे पास चल के आए हो जी, फिर से मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा, थैंक यू। तो मनोज जी का सजेशन यही है, लोगों को संदेश यही देना है कि
आप सभी ऑर्गेनिक खेती का प्रयोग करें, ऑर्गेनिक खाएं, चाहे घर में पैदा करें उगाएं या फिर कहीं बाहर से, तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज की जाए, क्योंकि उसमें किसी का फ़ायदा नहीं, हमारा खुद का फ़ायदा है, सेहत का फ़ायदा, स्वस्थ और पैसे का फ़ायदा, हर तरह से ऑर्गेनिक से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मनोज जी का भी यही संदेश आप सब लोगों का, और हम भी आपको ये कहना चाहेंगे कि आप सभी भी ऑर्गेनिक ही यूज करें खाने में या उपज पैदा करने में, और आप ही के लिए केवल ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, उनको बीमारियों से बचाना, उनको सही रास्ता दिखाना। जहां तक आप इस वीडियो को समझें, तो हमारी कोशिश यही है कि सुबह सुबह उठ के इतनी सर्दी में, आज 13 जनवरी, तो आपको मौसम लगभग हमारे एरिया में यही है, आज हर जगह इसी तरह का मौसम होगा शायद, तो कितनी सर्दी थी, बाइक से आके हमने ये वीडियो बनाई सिर्फ आप लोगों के लिए। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपके लिए पर्सनली, कि हमारी ये ब्लॉग की वीडियो है और हर आदमी को ये मोटिवेट और एक अच्छी अच्छी वीडियो दिखाते हैं हम, उसमें कोई फालतू की बकवासबाजी ऐसा कुछ नहीं दिखाते। तो अगर हमारी वीडियो में कोई कमी भी कहीं आपको नज़र आती है, तो आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताया करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका सिर्फ एक बटन दबाने का काम है, तो प्लीज़ अगर अच्छी वीडियो लगे और सही बातें लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।